एम निखिल सैनी माइक्रो आइडिया से। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने ब्लॉग के लिए इमेजेस कैसे ले सकते हैं इंटरनेट से। ठीक है, मतलब ये कई बार क्या होता है कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है, तो हम इसको इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हम ऐसे इमेजेस कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट में डाल सकते हैं जिनमें कॉपीराइट का इशू नहीं हो, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट नहीं हो उन पे। ठीक है, टॉपिक इज हाउ टू गेट इमेजेस फॉर ब्लॉग अवॉइडिंग कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी होता है, मैं अपने बेस्ट प्लेसेस के बारे में बताऊंगा जहाँ से मैं इमेजेस लेता हूँ। फर्स्ट प्लेस है, देखिए पिक्सआर्ट भी है, और यहाँ पे देख सकते हैं 5,70,000 फ्री फोटोज़ वेक्टर एंड आर्ट इलस्ट्रेशंस हैं यहाँ पे। तो सिंपली आपको इस साइट पे जाना है pixabay.com, और आपको कुछ भी जो आप पोस्ट लिख रहे हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे डालिए तो आपके पास कुछ इमेजेस आ जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं डालता हूँ वर्डप्रेस डाल के ये साइन है लेंस का, इस पर क्लिक करूँगा या सिंपली एंटर भी प्रेस कर सकते हैं। अभी देखिए वर्डप्रेस से रिलेटेड आपके पास इतनी सारी, ये देखिए ब्लॉग का, ये वर्डप्रेस से काफ़ी सारे ब्लॉग होते हैं तो ब्लॉग की इमेजेस भी आ रही है। ये देखिए वर्डप्रेस से रिलेटेड इमेजेस आपके पास आ जाएंगे। आपके यहाँ से कोई भी रिलेवेंट इमेज अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्री है ये, आपको एट्रीब्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से एट्रीब्यूशन मतलब अगर आप कहीं से कोई इमेज लेते हैं तो आपको एट्रीब्यूशन करना होता है कहाँ से आपने लिए और लिंक देना होता है जहाँ से भी आपने वो इमेज उठाई है। यहाँ से सिंपली आप यहाँ कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से सिंपली डाउनलोड कीजिए, अपने सर्वर पे अपलोड कीजिए, उसे यूज़ कर लीजिए अपने ब्लॉग पोस्ट में। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाली इमेज चाहता हूँ। ठीक है, फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जिस भी रिजोल्यूशन में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उस रिजोल्यूशन में डाउनलोड कर उसको सिलेक्ट करके डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में सेकंड अल्टरनेटिव है आपके पास, आप खुद इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। मेरा जो बेस्ट टूल है, मतलब फेवरेट टूल है इमेजेस क्रिएट करने के लिए, वो है कैनवा। सिंपली आपको canva.com पे जाना होगा, उस पे जाके आप अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। अकाउंट पे जैसे आएंगे ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपके सामने। उसके बाद आपके पास ये कुछ ऑप्शन है कि किस साइज का आप इमेज रखना चाहते हैं, किस साइज का इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन आ जाएंगे, लाइक आप फेसबुक पोस्ट के लिए चाहते हैं, फेसबुक एप्लीकेशन के लिए, टम्बलर ग्राफिक के लिए चाहते हैं, जिस भी सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आ गया, ये डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, ये देखिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग साइजेस दे रखे हैं, ब्लॉगिंग के लिए और ई बुक्स के लिए, डेस्कटॉप वॉलपेपर, ब्लॉग टाइटल। ठीक है, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे इमेजेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, सिंपली देखिए यहाँ पे कुछ फ्री इमेजेस हैं, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सॉरी ये पेड है, पेड को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको $1 पर इमेजेस पे करना होगा कैनवा पर। ओके, इसे हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा इश्यू कर रहा है इसको। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ ये फ्री लिखा हुआ है इस पर, है ना, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर पाएंगे आप, कोई भी फॉन्ट सेट कर लीजिए, यहाँ से आपकी साइज, यहाँ से आपको कलर चेंज करना है, डिलीट करना चाहते हैं तो इसे डिलीट कर दीजिए। और भी यहाँ पे ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी, आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। ठीक है,
और अदर ऑप्शन बताता हूँ आपको, एलिमेंट्स में हम जाएंगे तो ये देखिए ईस्टर के नए लोगोज हैं, वो लोगोज आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रिड्स हैं, फ्रेम्स हैं, शेप्स हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की आप शेप्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लाइंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, अलग अलग इलस्ट्रेशन दिखेंगे आपको यहाँ पे। कोई भी क्लिक कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको सेट कर लीजिए। ठीक है, काफ़ी देख लीजिए, काफ़ी यूज़फुल है ये टूल। मैं जब भी इमेज का कोई कस्टम इमेज बनाता हूँ तो इसकी हेल्प लेता हूँ। यहाँ पे आइकन्स हैं आपके पास, यहाँ डिफरेंट आइकन्स हैं, इसमें से आप कोई भी आइकन, रिलेवेंट जो आपके ब्लॉग पोस्ट के रिलेवेंट है वो आप इमेज में यूज़ कर सकते हैं। फ़ोटो है, फ़ोटोज़ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटोज़ दी हुई हैं, फ्री फ़ोटोज़, जैसे कि ये फ्री फ़ोटो है, ये आप अपने ब्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे स्ट्रेच कर लिया और इसके ऊपर कुछ भी, मैं कस्टमर कुछ भी मुझे आइकन ऐड करना है, कुछ भी ऐसे कस्टमाइज करना है वो हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ दी हुई हैं, डिफरेंट चार्ट्स हैं, यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के कैनवा लिखे हुए हैं। इसमें इसको एडिट करके आप कैनवा की जगह अपना जो टेक्स्ट है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं टेक्स्ट, और डिफरेंट साइज के यहाँ पे टेक्स्ट दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टमाइज टेक्स्ट है अलग अलग डिफरेंट स्टाइल्स में, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। अगर आप पेड यूज़ करते हैं तो आपको डाउनलोड करते टाइम उनका पे करना होगा उनके लिए। ठीक है, इनमें से जो फ्री स्टफ़ है वो आप विदाउट एनी चार्ज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में आएंगे हम, यहाँ से बैकग्राउंड यूज़ कर लीजिए। आपको इनमें से कलर पसंद नहीं आ रहा है कोई तो प्लस पे क्लिक कीजिए, यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिफ़ॉल्ट कुछ डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड चाहिए हुए हैं, अगर आपको इनमें से कोई पसंद आता है तो इनमें से कोई चूज़ कर लीजिए। एक बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो, सॉरी, इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो सिंपली अपलोड इमेज पे क्लिक कीजिए और अपनी इमेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे पिक्सार बेस से आपको इमेज अपलोड कर दें यहाँ पे, और उसे कस्टमाइजेशन करके यूज़ में ले लीजिए अपनी इमेज में। बहुत सिंपल, ये देखिए मैंने भी कर रखा है। ओके, ऐसे ही बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। ना ये बहुत ज़रूरी है कि आप कॉपीराइट फ्री इमेजेस ही यूज़ करें, क्योंकि कई बार कुछ केसेस आते हैं कि आपको लीगल प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कोई मतलब चीज़ आपके साथ ना हो तो फ्री इमेजेस ही यूज़ करें हमेशा। पिक्सआर्ट और कैनवा दो बेटर ऑप्शन है आपके ब्लॉग के लिए। ठीक है, बस इस ट्यूटोरियल में इतना ही बताना चाहूँगा। जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ टूल, वो ये दोनों ही हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इमेजेस ले सकता हूँ, अगर कोई रिलेवेंट इमेज नहीं मिलती है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ कैनवा से। ओके, और कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं चाहूँगा कि आप इसे फेसबुक पे शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से बोलें इसे शेयर करने के लिए। उन्हें भी हेल्प मिलेगी, जो लोग गूगल से इमेजेस लेकर अपने ब्लॉग पे यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें अवेयर करें कि वो ऐसा ना करें। फ्री सोर्सेज दिए हुए हैं, थोड़ा टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एक इमेज क्रिएट करने में, और यहाँ से आप फ्री इमेजेस भी ले पाएंगे सिंपली सर्च करके, तो अच्छा रहेगा। ट्विटर पे इसे शेयर करें ताकि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको ऐसे इन चीज़ों के बारे में पता चले। ओके, एक और चीज़ है, मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको और ब्लॉगिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखना है तो यूट्यूब पे जाइए। माई क्विक आइडिया नाम से मेरा एक मैंने चैनल क्रिएट कर रखा है। आप इस वीडियो के नीचे भी एक लिंक दूंगा मैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख पाएंगे, तो उस लिंक पर जाके भी आप अदर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।